चलिए जवानों, आज की क्लास शुरू हो चुकी है। सुबह के 6 बज चुके हैं और स्वागत है मेरे सभी प्यारे लाडलों का। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो सभी जवान? बहुत प्यारे प्यारे 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, लेकिन आज आपको मेरे साथ साथ में जवाब भी कमेंट बॉक्स में देना होगा प्रत्येक क्वेश्चन। सरदार पटेल की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? आपको पता है केवड़िया है, ठीक है। वो किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके आप लोग मेरे को जवाब दे दीजिए जल्दी से। किस राज्य में स्थित है केवड़िया? कमेंट करके जवाब दीजिए मेरे लाडलो। ना मुझे तन चाहिए ना मुझे धन चाहिए, अमन से भरा मेरा वतन चाहिए, जब तक जिंदा रहूंगा इस मातृभूमि के लिए मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। देखिए, केवड़िया के अंदर 5 से 7 मई के बीच 3 दिवसीय स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। कल्याण जो मंत्री है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उनके सानिध्य में ये शिविर है वो आयोजन हो रहा है और उसकी अध्यक्षता करने जा रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, आप सबका जवाब सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है भाई? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बताना है जल्दी से बता दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है पुष्कर सिंह धामी। सभी स्टूडेंट का देखिए ये जवाब आ रहा है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। मिजोरम की राजधानी गंगटोक, आइजोल, इम्फाल और कोहिमा। मिजोरम की राजधानी बता दीजिए सारे लाडले। मिजोरम की राजधानी बताइए सभी जवान। अरे बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है भैया, आइजोल, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। भारत सरकार ने मिशन कर्मयोगी कब शुरू किया था? भारत सरकार ने मिशन कर्मयोगी कब प्रारंभ किया था? तो ये किया था सितंबर 2020 में। सभी वर्दी के दीवानों का भी जवाब है, वेरी गुड। सितंबर 2020 में भारत सरकार ने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है भाई वर्तमान में? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है जल्दी से बताओ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जल्दी बताइए सभी जवान, जवाब दीजिए। रंजन प्रकाश देसाई है, सुनील चंद्रा है, मनोज सिन्हा है या कौन है? तो देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुशील चंद्रा। सभी स्टूडेंट देखिए इसका भी जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। तो साथ साथ में देखिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर मेरे लाडलो लिखते रहिए। वर्दी तो हर हाल में पाना है, अगली दीपावली बॉर्डर पर मनाना है और बॉर्डर पर मनाने के लिए आपको और हमें मिलके मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 की प्रथम विश्व यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस देश की यात्रा की है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से जवाब दे देखिए कमेंट बॉक्स में। क्या जर्मनी है, क्या डेनमार्क है, क्या फ्रांस है, क्या उपरोक्त सभी है? तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी देशों की यात्रा कर रहे हैं, ध्यान रखना, इन सभी देशों की यात्रा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 यूरोपीय देश है जो जर्मनी है, डेनमार्क और फ्रांस की सफल यात्रा के बाद आज दिल्ली भी लौट गए हैं और वर्ष 2022 की प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा थी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों नेताओं ने 6ठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। जर्मनी में दिसंबर में नई सरकार के कामकाज संभालने के बाद दोनों देशों के बीच पहली अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक थी। यात्रा के दौरान श्री नरेंद्र मोदी ने सोल्ज ने श्री शोल्ज ने संयुक्त रूप से एक व्यावसायिक कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने जर्मनी में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया और उनसे बातचीत की, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन है। फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति एमे एमेन्युएल मैक्रो। डी जवाब सही है, वेरी गुड।
हाल ही में चर्चा में रहा तान सिंगल गेज किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम और आंध्र प्रदेश। जवाब दीजिए मेरा लड़ लो। चलिए जवाब सभी का पश्चिम बंगाल आ रहा है, वेरी गुड। सिंगल गेज, सिंगल गेज, सिंगल गेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से सब लोग जवाब दे दीजिए। सभी का जवाब क्या आ रहा है? पश्चिम बंगाल, वेरी गुड। नेक्स्ट, 24वें बधिर ओलंपिक खेल कहां आयोजित किए जा रहे हैं? ब्राजील, कनाडा, जापान या इनमें से कोई नहीं। भारत के धनुष श्रीकांत ने ब्राजील, ये ब्राजील में हो रहा है भैया, ए जवाब है। और 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक भी जीता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, धनुष श्रीकांत का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन 4 है आपकी स्क्रीन पर भैया, सब लोग जवाब दीजिएगा, सब लोग जवाब जवाब दीजिए, सभी मेरे लाडले जवाब दीजिए। वर्दी तो हर हाल में पाना है, अगली दीपावली बॉर्डर पर मनाना है, और आप और हम मिलकर यदि मेहनत करेंगे तो ये वर्दी अपनी है। चलिए जवाब दे दीजिए सारे स्टूडेंट। धनुष श्रीकांत ने ब्राजील में आयोजित बधिर ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में भारत का नाम ऊंचा किया है और उन्होंने निशानेबाजी 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो मेरे लाडलो, यहाँ निशानेबाजी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी? इसी प्रकार रोजाना आप लोगों को लिए ये क्लासें आयोजित की जाती है, आप लोग रोजाना ठीक मेरे से इसी समय जुड़ सकते हो। तो आशा और अपेक्षा यही रहेगी कि तुम लोगों के लिए जितना कर सकूं उतना कम है, तो दम लगा दीजिए मेरे लाडलो। वर्दी तो हर हाल में पाना है, अगली दीपावली बॉर्डर पर मनाना है। जय हिंद।